अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। आज मैं आपको मुर्ग हरियाली बताऊंगी कि हम मुर्ग हरियाली किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं अज्जा पर। मुर्ग हरियाली के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उनमें से है मुर्गी का गोश्त 1 किलो, सवैया 1 गड्डी, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्चें 15 अदद, दही 1 कप। नींबू का रस 2 अदद, पिसा हुआ लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, तेल 1 प्याली। डेकोरेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से है हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, नींबू, के सिर्फ ऊपर सजाने के लिए हैं ताकि खाने में थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, एंड बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले ब्लेंडर में हरा धनिया, सवैया, हरी मिर्चें और दही, इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें ताकि इसका मसाला रेडी हो जाए। स्टेप नंबर 2, ग्राइंड किया हुआ मसाला, लहसुन अदरक, काली मिर्च पीसी हुई, नींबू का रस, नमक, इन तमाम चीज़ों को मुर्गी पर लगा दें। इन तमाम मसालों को मुर्गी पे लगाने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, एंड कहते हैं मैरिनेट अच्छी तरीके से हो जाता है, इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो उसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।
स्टेप नंबर 3। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें मैरिनेट की हुई मुर्गी डालें और लाइट ब्राउन कर लें। फिर ढक्कन बंद करके गोश्त गल जाने तक अच्छी तरह से इसे पका लें। जब आपको ऐसा लगे कि इसका गोश्त हल्का सा गल गया है तो फिर चूल्हा बंद कर दें और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक सजा दें, नींबू ऊपर से रख दें। मज़ेदार मुर्ग हरियाली तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस रेसिपी से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स भी करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोग कमेंट्स भी कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। एंड मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।